सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो कॉलेज गोइंग हैं, जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में शिफ्ट कर रहे हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में शिफ्ट कर रहे हैं, या थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो चंडीगढ़ के नियर बाई रीजन से नहीं बिलोंग करते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत डिटेल में और एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर दैट, जैसे कि अब आप लोगों को मैसेज लग ही गया है कि जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ के नियर बाय कॉलेजेस के हैं या जो पास आउट हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए जो गेट के लिए डेडिकेटेड बैचेज हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं उन मॉड्यूल्स के लिए, उस एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर, गेट की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जो भी ECP चंडीगढ़ के साथ, यूरोपीडिया की टीम के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर के अपना प्रिपरेशन ECP के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मैंने आपको भी बताया, जो चंडीगढ़ के नियर बाई रीजन से नहीं है, दूर से बिलोंग करते हैं, जो रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं, और गेट का प्रिपरेशन जो लोग आप लोगों में से करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बोलूंगा मैं, एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, दैट इज़ अ समर मॉड्यूल। समर मॉड्यूल क्या चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। समर मॉड्यूल बेसिकली, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे आप जो फर्स्ट से सेकंड ईयर में, सेकंड से थर्ड ईयर में, थर्ड से फाइनल ईयर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों के पास जून एंड जुलाई 2 महीने का टाइम होता है कि जिसमें या तो आप लोग टोटली फ्री होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, या आप लोगों के पास 6 वीक्स का इंटर्नशिप होता है। इस वीडियो बनाने से पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आप लोग अपने इंटर्नशिप वाले टाइम को अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उसके साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसको टैग कर दूंगा और वहां से वो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब दो तरह के स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों में से कुछ लोग फ्री हैं, कुछ लोगों का इंटर्नशिप है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट का और इस रीजन से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए यूरोपीडिया ECP की टीम एक मॉड्यूल लेके आए हैं। दैट मॉड्यूल इज अ समर मॉड्यूल, समर मॉड्यूल फॉर गेट एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें मैंने प्रिपेयर फॉर 50 मार्क्स इन अ स्पैन ऑफ 50 डेज। 50 दिन के अंदर 50 नंबर का तुम टारगेट करो और तुम्हारा उसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो हम लोग जो बैचेज है वो 10 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड होगा मेरे इस वीडियो के सुनने के बाद या अभी इस चीज़ को सुनने से, तो आप लोग गूगल फॉर्म भर के या डायरेक्टली आप ECP चंडीगढ़ सेंटर पे आप क्वेरी करके अपना अपना इस मॉड्यूल से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस मॉड्यूल में है कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से सुनना इस वीडियो को। देखो, सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो मॉड्यूल आपकी बात कर रहे हैं ये कौन कौन सी ब्रांचेज के लिए। देखो, इसमें हम लोग सारी ब्रांचेज कवर करने जा रहे हैं, मैकेनिकल, देन सिविल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड इन द लास्ट द कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो इन 5 ब्रांचेज के लिए हम लोग जो है गेट का प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समर मॉड्यूल के लिए। इसके अलावा इनकी जो अलाइड ब्रांचेज हैं, अगर कोई XC के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, अगर कोई प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, सिविल में अगर कोई एनवायरमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, इलेक्ट्रिकल अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, कंप्यूटर साइंस अगर कोई गेट DA के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ये जो समर मॉड्यूल है आप सभी के लिए है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड क्वेरी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर क्या क्या आप टॉपिक करोगे, क्या क्या कवर, 50 दिन में 50 नंबर सर बोल तो रहे हैं आप, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे होगा आपको? देखो, कंटेंट हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। अब गेट का सिलेबस आप लोगों को पता है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टेक्निकल पार्ट आप लोगों का, जो आप लोग अपने कॉलेज में टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। दूसरा चीज आप लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथ, जो इसमें रिक्वायरमेंट होता है आपके गेट एग्जाम के अंदर। तीसरा कंपोनेंट होता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। इंजीनियरिंग मैथ आपको इनका, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो टेक्निकल आपका था आपको 70 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथ आपको आता है 15 मार्क्स का, और आपका नॉन टेक्निकल अगेन आएगा आपको 15 मार्क्स का। नॉन टेक्निकल के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये कंपोनेंट आपके इसके अंदर कवर होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अब इसमें से हम लोग क्या कंटेंट कवर करेंगे इस समर मॉड्यूल के अंदर? पहला पार्ट हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर करना ही है। क्यों कवर करना है? क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का।
कल को आपको रिसर्च के लिए जाना है या इंटरव्यूज के लिए जाना है, मास्टर्स की, पीएचडी की, या पब्लिक सेक्टर में जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज़ द बेस ऑफ द इंजीनियरिंग. तो इसमें जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, बाद में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हो, फ्लूड पढ़ रहे हो, हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हो, वहाँ में मैथमेटिक्स यूज होना है. ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स यूज होता है. सिविल में सब्जेक्ट्स यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही मैथमेटिक्स है सारा. कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर आपका मैथमेटिक्स यूज होता है. तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 नंबर का हम लोग कवर करेंगे. और ये रफली जो त्यागी सर हैं वो 70-80 आवर्स के अंदर आप लोगों का वो कंप्लीट करते हैं. दूसरा कंपोनेंट हम लोग कवर करेंगे, दैट इज़ द टेक्निकल पार्ट. टेक्निकल पार्ट में हम लोग जो कवर करेंगे वो 35 मार्क्स का हम लोग जो है यहाँ पे टेक्निकल कवर करेंगे. 35 मार्क्स में टेक्निकल, अब ये किस बेस पे डिसाइड होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स. अब ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस. अब डेफिनेटली अगर किसी ने भी कोई भी मैकेनिकल या सिविल से बिलोंग करता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बेसिक सब्जेक्ट है. एंड द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके मैकेनिकल और सिविल में, सॉम, एफएम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये कंपोनेंट तो कवर करने. उसके बाद हम लोग कवर करेंगे जो वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं. जैसे सिविल में अगर मैं बात करूं, आपका एनवायरमेंट एक वेटेज वाला सब्जेक्ट है, सॉइल एक वेटेज वाला सब्जेक्ट है, सर्वेइंग, हाईवे एक वेटेज वाला सब्जेक्ट है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके आवर्स के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि पहले 5 वेटेज वाले सब्जेक्ट करेंगे. मैकेनिकल में पर्टिकुलरली बात करें, मैकेनिकल में आपके सब्जेक्ट आ गया प्रोडक्शन, बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट है. उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स, वेटेज वाला सब्जेक्ट है. उसके बाद आपका आ गया दिस फ्लूइड मशीनरी, आपका थर्मोडाइनमिक्स, थर्मल एप्लीकेशंस, हीट ट्रांसफर, तो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट को ही पकड़ के चलेंगे पहले. उसके बाद ईसी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, नेटवर्क एंड कंट्रोल सिस्टम, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं. तीसरा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो सिग्नल सिस्टम एंड ईडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करें तो आपके कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं. उसके बाद कंप्यूटर साइंस में फिर आपके जो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स का, तो कंप्यूटर साइंस में आपका सी डाटा स्ट्रक्चर आपका आ गया, टीओसी आ गया, एल्गो आ गया. तो ये मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि जिसका हम लोग स्मार्ट वर्क करके चलेंगे कि जो सब्जेक्ट हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है और टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर्स, इनको करने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं और वेटेज इनका कम है. तो इस समर मॉड्यूल में हम वो सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे जो हाई वेटेज के हैं और कम टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं. तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग कंटेंट और टॉपिक्स कवर क्या करेंगे. उसके बाद आ गया हमारा आपका शेड्यूलिंग. सर शेड्यूल क्या रहेगा, एक दिन के अंदर क्लास कितनी रहेगी. तो शेड्यूल में एक दिन के अंदर आपका जो क्लास होगा वो 6 घंटे का क्लास होगा, 6 आवर्स. सो 6 घंटे को हम डिपेंडिंग अपॉन की कैसा पेज चल रहा है उसको 7-8 घंटे तक हम लेके जा सकते हैं, लेकिन 6 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट. 6 घंटे और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 50 के साथ, तो रफली आपका 300 आवर्स का मॉड्यूल बनता है. अब 300 आवर्स और कोई भी जो ब्रांच है उसका जो टोटल मॉड्यूल है एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस का तो वैसे ही जो टोटल जो आपका मॉड्यूल है ऑफलाइन के अंदर रफली 350-380 आवर्स में ही समअप हो जाता है. लेकिन अगर मैं बात करूं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इनके जो मॉड्यूल हैं रफली 500 आवर्स के मॉड्यूल हैं, तो इसमें आपको इतना टाइम लगता है. तो हम लोग उसमें 300 कवर कर रहे हैं. सो वी कैन ईजिली कवर दैट 50 मार्क्स इन 50 डेज. और मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 50 मार्क्स. उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मॉड्यूल है रफली 450 आवर्स के आसपास होता है. तो हमें जो उसमें कवर करने हैं वो 300 घंटे कवर करने हैं. एक दिन के अंदर हम लोग 6 घंटे की क्लास करेंगे. तो ये रहा आप लोगों का शेड्यूल जो हम लोग कवर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम स्टडी मटेरियल क्या प्रोवाइड करेंगे. देखो स्टडी मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका नोट्स. देखो नोट्स तो भाई क्लास के अंदर ही बैठ के बनेंगे, इसका कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है. आप स्टैंडर्ड बुक में से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे गेट एग्जाम प्रिपरेशन का, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना. तो नोट्स टू द पॉइंट स्पेसिफिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास के अंदर बैठ के ही बनेंगे. दूसरा कंपोनेंट जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर आप लोगों ने मेरे सेशन अटेंड करे हैं, अगर आप लोगों ने मेरा जो हमने सेमिनार्स किए हैं मैंने उसमें से यूट्यूब पर भी डाले हैं,
तो अगर आपने उसको मेरे को सुना है उस सेशंस को, तो मैंने क्लियरली बताया है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अगर आप 5 से 10 बार अगर आप हाथ से लगा लेते हो, यू कैन इजीली स्कोर मिनिमम 40+ मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? तो हमने नोट्स कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, और इसका आपको मटेरियल मिलेगा। तीसरा, ऑनलाइन एक्सेस, जितना भी हमारा जिस ब्रांच से भी आप बिलोंग करते हैं, उसका मैं आपको ऑनलाइन एक्सेस दूंगा मॉड्यूल का, वो तुम्हारे पास रहेगा। तुम उसको वापस जाके जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, लेट अस सपोज 1 अगस्त से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कि हम लोग स्टडी मटेरियल, चीज़ों को सिंपल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें रह गया, NPTEL मॉड्यूल। NPTEL मॉड्यूल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो NPTEL मॉड्यूल जो है आप लोगों को इस मॉड्यूल के अंदर आपको स्टडी मटेरियल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड होगा। अब लास्ट आ गया कि सर, अब हम लोगों ने जब एक बार ये 50 दिन का लगा लिया, 50 क्वेश्चन का कर लिया, तो इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद आफ्टर 50 डेज कैसे प्रोसीड करना है। अब देखो, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि हम लोग उसके बाद करेंगे क्या। अब इसके बाद 3-4 ऑप्शंस आप लोगों के पास रहेगी कि या तो आप लोग अगर कुछ नियर बाय लोकेशन से हैं तो आप वीकेंड पे कंटिन्यू कर सकते हो, आप हाइब्रिड फॉर्म में ऑनलाइन आप मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कंटिन्यू कर सकते हो, या उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है कि आप लोग सपोज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से हैं और अभी आपने फरवरी में पेपर नहीं देना, तो नेक्स्ट ईयर आके आप लोग दोबारा से अपना चीज़ों को रिज्यूम कर सकते हो, तो नेक्स्ट ईयर आके आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको क्लियरली बताया है सेमिनार्स के अंदर, सेशंस के अंदर, कि अगर तुम 70-80 नंबर का तैयार कर लो ढंग से और उसमें तुम 50+ नंबर गेट के अंदर ले आओ, तो सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती है। यही स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बना के चलना है, यही स्ट्रेटेजी आप लोगों ने फॉलो करनी है जो मैंने बनाया। अभी भी अगर आप लोगों ने मेरे सेमिनार्स नहीं सुने हैं, नहीं अटेंड किए, तो उसको सुन लो, मैं इस वीडियो के एंड में टैग कर देता हूं और वहां से आप लोग सुनिए, तो मैंने पूरा स्ट्रेटेजी कैसे गेट का बेनिफिट है, क्या क्या ऑप्शंस है, वो पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ वहां पे, राइट? तो ये रहा समर मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया कि जिसमें आप लोगों को कैसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ों का कंटेंट करना है, क्या क्लासेस रहेगा, कितने घंटे का क्लास रहेगा, तो मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करी है। अब रिलेटेड टू द फी एंड एवरीथिंग, आप लोग हमारे हेल्प डेस्क पे कॉल करके, जो कि लिंक दिया हुआ है इसमें, गूगल फॉर्म दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भर के आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं और आके अपना 10 जून से आप लोग अपना क्लासेस जो है आके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा सिंपल सा लिखा है यहाँ पे, टारगेट 50 मार्क्स इन 50 डेज, और ये जो सब्जेक्ट्स आप लोग इसमें करेंगे, डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट आपको कॉलेज के अंदर भी होने वाला है, क्योंकि कॉलेज के अंदर जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर शिफ्ट कर रहे हैं, सेकंड से थर्ड ईयर शिफ्ट कर रहे हैं, तो देर में भी चांस और ये होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने कॉलेज में नहीं पढ़े हुए, तो इसका आपको एडिड एडवांटेज जो है वो कॉलेज के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट्स को एडवांस में स्टडी कर लोगे। तो ये इसके सारे मैंने आपको बताया समर मॉड्यूल से रिलेटेड, आके जुड़ो, क्वेरी करो, मैं जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो अब सेशंस हमने किए हैं, सेमिनार्स हमने किए हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका सारे का भी वीडियो शेयर कर देता हूँ, इस वीडियो को स्प्रेड करो जितना कर सकते हो, जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठाना चाहता है वो इसको उठा के अपनी क्लासेस कर सकते हैं। इंटर्नशिप के साथ कैसे बैलेंस करना है इस टाइम को, उसका भी मैंने वीडियो डिटेल में बताया हुआ है, और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, राइट? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।